कांग्रेस कोर ग्रुप की नई दिल्ली में हुई बैठक में बाढ़ के हालातों पर हुई चर्चा। बैठक के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जोरों पर जारी, दवाइयां और खाने के पैकेट भिजवाए गए। उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत के इंटरनेट डाटा की जासूसी किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई को अपनी अनुमति दी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल भीषण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से फोन पर बातचीत कर स्थिति की ली जानकारी। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सोमवार को 8 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी ने खतरे के निशान को किया पार। दिल्ली बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग ने बताया कि आज सुबह गांधीनगर स्थित लोहे वाले पुल पर यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ज्यादा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा के विशेष सत्र में अपना बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा में इस समय मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास मत पर हो रही है चर्चा। 243 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए जेडीयू को 122 सदस्यों के समर्थन की है जरूरत। कोयला खदान आवंटन मामले में सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को किया तलब। गौरतलब है कि एससी गुप्ता वर्ष 2003 और 2006 के बीच कोयला सचिव थे। इस अवधि में किए गए कोल ब्लॉक आवंटन की सीबीआई जांच कर रही है। इशर जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने आईबी के विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार से की पूछताछ। एजेंसी ने गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक केआर कौशिक को किया तलब। गुजरात उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अपनी जांच 4 जुलाई तक पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करे। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स 62 अंक की गिरावट के साथ 19,161 अंक पर खुला, वहीं निफ्टी भी 17 अंक की गिरावट के साथ 5,796 पर खुला। विश्व के 8 सबसे धनी देशों के नेताओं ने कर चोरी से निपटने के विभिन्न उपायों पर जोर देते हुए सीमा पार वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान किए जाने की वकालत। 2 दिवसीय G8 शिखर सम्मेलन में जारी एक बयान में कहा गया कि विश्व के कर अधिकारियों को कर चोरी के अभिशाप से लड़ने के लिए स्वतः ही सूचना का आदान प्रदान करना चाहिए। इराक में राजधानी बगदाद में एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 60 लोग घायल। अधिकारियों के अनुसार पूर्व अल काहिरा जिले में एक मस्जिद के अंदर 2 हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ाया। रूस के दक्षिण पश्चिमी इलाके समारा में एक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में रखे गोला बारूद में हुए विस्फोट में 30 लोग घायल। विस्फोट होने के बाद वहां से करीब 6,000 लोगों को हटाया गया।